69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आज हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में अंतिम सुनवाई होगी। बता दें कि न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ में शिक्षा मित्र आज अपना पक्ष रखेंगे, तो वहीं शिक्षा मित्रों के अधिवक्ताओं से भी लिखित सबमिशन लिया जाएगा। परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने अर्हता अंक में बदलाव करते हुए सामान्य वर्ग के लिए 65 और आरक्षित के लिए 60% अंक तय किए थे, जिस फैसले को चुनौती दी गई थी। तो आज अहम दिन है, 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का यह मामला है, कहा जा रहा है कि सुनवाई है और उसके बाद हालांकि एक तारीख और यहां पर तय की जाएगी, मुकर्रर की जाएगी। अदालत फाइनल तारीख को यहां पर मुकर्रर कर सकता है, लेकिन प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार समेत अन्य जो अभ्यर्थी हैं उनके विशेष अपील पर सुनवाई होगी। और ये सुनवाई आपको बता दें कि लगातार जारी है। पिछले साल जनवरी का यह वाक्या है जब 60 से 65 यहाँ पर फीसदी कर दिया गया था आरक्षित वर्ग के लिए, तो ऐसे में काफी यहाँ पर इन शिक्षकों के जरिए दरख्वास्त सरकार से की गई थी। अब देखना होगा कि महाधिवक्ता की तरफ क्या पक्ष यहाँ पर रखा जाता है। तो अंतिम सुनवाई है शिक्षक भर्ती मामले में और सरकार को भी आज यहाँ पर अपना पक्ष रखना होगा, इसके साथ ही इन शिक्षकों को भी आज अपना पक्ष रखना होगा और उसके बाद ही कोर्ट यहाँ पर बताएगा। हो सकता है मुमकिन कि आज यहाँ पर फैसला दिया जाए या फिर जो आखिरी तारीख है सुनवाई की, फाइनल जो सुनवाई है उसके लिए तारीख यहाँ पर मुकर्रर की जाए। लेकिन पूरा अगर देखा जाए तो जितने समय से ये मामला चल रहा है उसको देखते हुए आज का ये दिन 69,000 शिक्षकों के लिए काफी अहम है। उनका कहना है कि इतने सालों से नौकरी की, इतने सालों से सेवाएं दी, लेकिन उनके साथ अब इस तरह का व्यवहार यहाँ पर किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार का क्या पक्ष रहता है और वहीं इन शिक्षकों का क्या कुछ पक्ष यहाँ पर रहने वाला है। तो शिक्षा मित्रों का पक्ष सुना जाएगा और उनके अधिवक्ताओं से रिटेन सबमिशन भी यहाँ पर लिया जाएगा। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ में ये सुनवाई आज होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अहम दिन आज 69,000 शिक्षकों के लिए, क्योंकि इस मामले में आज अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर सुनवाई जारी है। और चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। चंद्रमणि, और कितना वक्त, आज कितने बजे ये सुनवाई होनी है और अहम कितना यहाँ पर इन शिक्षकों के लिए, ये कहीं ना कहीं तय आज हो जाएगा कि जो मामला यहाँ पर चल रहा है उसके तहत ये दिन काफी अहम है। अभी क्या अपडेट मिल रही है, कब ये सुनवाई शुरू होगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार ये सुनवाई चल रही है और पिछले 5-6-7 तारीख को जिस तरह से बीटीसी अभ्यर्थियों ने अपना पक्ष रखा था, तो आज जो शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्रों को अपना पक्ष रखना है, जिसको लेकर जो लखनऊ खंडपीठ पे सुनवाई चल रही है, जिसकी कोर्ट नंबर 1 में सुनवाई चल रही है और ये लगभग 11 बजे के आसपास से हो सकता है कि 11 बजे के बाद में इनकी सुनवाई हो। तो ये पूरा अगर मामले पर अगर नज़र डालें, जिस तरह से 69,000 भर्ती को 1 साल हो रहा है और 1 साल के बाद में ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर कोर्ट निर्णय लेगा, क्योंकि लगातार सुनवाई चल रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय आ जाएगा। बिल्कुल, लेकिन चंद्रमणि अभी जो शिक्षक है, 69,000 ही जो शिक्षक है उनके लिए आज का दिन काफी अहम है, जिस तरह से हम कह भी रहे थे कि कहीं ना कहीं भविष्य यहाँ पर तय करेगा, लेकिन नाराजगी अभी कुछ क्या सामने आ पाई है, क्या अभी भी यहाँ पर कोशिशें की जा रही थी लगातार क्या सरकार से कि इस पर एक बार फिर से विचार किया जाए, क्योंकि प्रदर्शन भी इनके जरिए हमने देखा कि किया गया था। जी बिल्कुल, जिस तरह से 69,000 भर्ती है तो ये इसमें करीब 4 लाख अभ्यर्थी हैं जिनको इसके परिणाम का इंतज़ार है, वो परिणाम के इंतज़ार में है। और वहीं पर शिक्षा मित्रों की भी एक अलग मांग है और शिक्षा मित्रों का कहना है कि उनके लिए ये आखिरी मौका है। तो इन सारे मुद्दों को देखते हुए इन दोनों के लिए काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि जो बीटीसी अभ्यर्थी हैं, जो बीएड अभ्यर्थी और बीएड अभ्यर्थियों को 2011 के बाद में
अब इस भर्ती में मौका मिला था कि प्राइमरी शिक्षक के तौर पर वो अप्लाई कर सकते थे, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि 11 के बाद में जो बीएड अभ्यर्थियों को मौका मिला था और उसके बाद में जो बीटीसी अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी 69,000 भर्ती एक बड़ी भर्ती होती है और तमाम बीटीसी अभ्यर्थी ये उम्मीद लगाए हुए थे कि 69,000 जब भर्ती आएगी तो उसमें उनका सिलेक्शन हो सकता है, उनको नौकरी मिल सकती है। वहीं शिक्षा मित्र भी लगातार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के समायोजन रद्द करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा मित्रों को मौका दिया जाए, जिसको लेकर उनको वेटेज दिया जाए, तो शिक्षा मित्रों का भी कहना है कि ये उनके लिए आखिरी मौका है। तो इन तमाम अगर इनको सबके जो पक्ष देखे जाए तो उसमें सभी पक्ष अपनी अपनी जगह पर अपने नौकरी के लिए अपने जो उनके आगे भविष्य की है वो सुनहरे भविष्य की कामना कर रहे हैं और उसी को लेकर वो कोर्ट में पहुंचे हुए हैं और सभी की एक ही मांग है कि जो 69,000 भर्ती है उसमें उनको मौका दिया जाए। अब बीटीसी अभ्यर्थियों का कहना है कि आर्ता अगर कम कर दी जाएगी जिससे जो पढ़े लिखे छात्र हैं, जो पढ़े लिखे अभ्यर्थी हैं, उनका उनको कम मौका मिलेगा। वहीं पर जब शिक्षा मित्रों की बात आती है तो शिक्षा मित्र कहते हैं कि उनको अनुभव के आधार पर दिया जाए क्योंकि सारा कार्यभार जो स्कूलों की जिम्मेदारी है वो अभी भी शिक्षा मित्रों के कंधे पर है। इस तरह से देखा जा सकता है कि अब बीटीसी अभ्यर्थी जहाँ गुणवत्ता परक शिक्षा की मांग कर रहे हैं तो वो शिक्षा मित्र ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें अनुभव के आधार पर नौकरी दी जाए। तो अब ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो किसके पक्ष में निर्णय लेता है। फिलहाल आज शिक्षा मित्र संकट कब छटेगा, लेकिन एक इससे पहले जब कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो उस दौरान मौखिक बहस हुई थी जहां पर कोर्ट ने कहा था कि जो मौखिक बहस इसे लिखित में दिया जाए, तो लिखित में जब ये बहस दी गई उस दौरान क्या कुछ बदलाव इसमें आया है, उस दौरान क्या कुछ दलीलें रही, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया? जी बिल्कुल, देखिए आज शिक्षा मित्रों को भी अपना रिटर्न सबमिशन फाइल करना है और उसके पहले में बीटीसी अभ्यर्थियों और बीएड अभ्यर्थियों ने भी फाइल किया और उसके पहले सरकार भी फाइल कर चुकी है। सरकार की तरफ से कहना है कि हम गुणवत्ता परक शिक्षा की बात करते हैं और गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए सरकार को किसी भी भर्ती परीक्षा में कट ऑफ या माइनस मार्किंग निर्धारित करना आवश्यक है। तो सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि उसमें कट ऑफ या माइनस मार्किंग लगाई जाए, वरना बाद में उस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से। जैसा शिक्षा मित्रों के साथ भी हुआ कि उन्हें बिना टीटी पास के उनको समायोजित किया गया और उसके बाद में शिक्षा मित्रों को का समायोजन रद्द कर दिया गया। तो अब सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है कि उन्होंने गुणवत्ता परक शिक्षा को लेकर अपना कटाव निर्धारित किया। तो शिक्षा मित्रों का कहना है कि जो कटाफ है वो काफ़ी ऊंचा कटाफ है क्योंकि जो 60-65 कटाफ है वो काफ़ी बड़ा कटाफ माना जाता है इसको। जैसे पिछली भर्ती हुई थी जो 68,500 भर्ती हुई थी उसमें 40-45 के कटाफ पर सरकार ने भर्ती कराई थी। तो उनकी ये मांग है कि इसको कटाफ को कम किया जाए जिससे शिक्षा मित्रों को अधिक अवसर मिल जाता है और अगर ये कटाफ कम होता है तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा मित्रों को अधिक अवसर मिलेगा और उनको जो 25% का भारांक है उससे उनका काफी जो दावा होता है वो मजबूत बनता है। वहीं बीटीसी अभ्यर्थियों का कहना है कि इससे जो गुणवत्ता परक शिक्षा की बात की जा रही उसमें कमी आएगी क्योंकि उनके लिए भी मौके कम होंगे जब शिक्षा मित्र उनके स्थान को ले लेंगे। तो बीटीसी अभ्यर्थी सुनवाई के बाद की राहत आखिरकार किसको यहां पर मिल पाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ जुड़ने के लिए।